कोकण महाराष्ट्र का स्वर्ग। लोग कहते हैं अगर यहाँ नहीं गए तो अपने महाराष्ट्र में क्या देखा। तो आइए आज जानते हैं आखिर कोकण दिखता कैसा है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो एंड अनदर ग्रेट एंड ब्यूटीफुल डे स्टार्ट विद यू अमेजिंग पीपल्स। तो गाइज अभी बज रहे हैं 7, मैं सुबह 6:30 बजे यहाँ पर आया था क्योंकि मुझे सूरज की पहली किरण कैप्चर करनी थी, टाइम लैप्स लेने थे, सिनेमैटिक शॉट्स लेने थे। तो सूरज की पहली किरण तो कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मौसम ख़राब चल रहा है, तो अच्छे अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स मैंने लिए हैं। तो गाइज़ ये वीडियो स्किप करके मत देखना, पूरा देखना, और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिलहाल तो हम हमारे मेन टॉपिक पर चलते हैं कि कोकण के लोग कैसे हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या है या फिर उनकी लैंग्वेज क्या है। तो कोकण के लोग मतलब बाहर से बहुत ही स्वीट है लेकिन अंदर से उतने ही तीखे हैं, आपको बता देता हूँ। लेकिन जब कोई मेहमान आता है या फिर कोई घूमने आता है कोकण, तो उसकी पूरी तरह से मतलब सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो उनका वो एक प्लस पॉइंट है। अभी फिलहाल मैं बाहर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कोकण का घर कैसा होता है या फिर उनकी लैंग्वेज कैसी होती है। पॉसिबल हो तो फूड भी दिखाऊंगा। वैसे तो किसी के घर में जाकर फूड दिखाना ये तो मतलब अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चालू है, कोरोना है। दोस्त के घर में भी जाऊंगा तो उनको भी दिक्कत आएगी, तो पॉसिबल होगा तो दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल तो हम देखेंगे कोकण के घर कैसे होते और साथ ही साथ में लैंग्वेज, यहाँ की लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है गाइस, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, कोकण के हर घर के सामने आपको ऐसा छोटा कुआं देखने को मिलेगा। लोग इसका इस्तेमाल पानी पीने के लिए और अन्य कामों के लिए करते हैं। नैसर्गिक रूप से मिनरल से भरा हुआ और जिसके आगे रेफ्रिजरेटर भी फीका पड़ जाए ऐसा ठंडा पानी इस कुएं में साल भर रहता है, तो लोग इसका इस्तेमाल पानी पीने के लिए करते हैं। कोकण एक कुदरत का करिश्मा है जिसकी हरियाली सबको अट्रैक्ट करती है। कोकण के घरों की बात ही कुछ अलग होती है, खास करके उनकी छत चारों तरफ से झुकी हुई जो कि बारिश के मौसम में पानी सीधा नीचे लाती है और घरों को नुकसान से बचाती है। यह घर मिट्टी और चीरा पत्थर से बनाए जाते हैं। हर घर के आजू बाजू नारियल, आम, कटहल और अन्य प्रकार के पेड़ होते हैं जो कि इन घरों की शोभा बढ़ाते हैं। कोकण के घरों की बात कुछ अलग ही होती है। तो बात करते हैं इनकी खेती के बारे में। मौसम और अन्य कारणों की वजह से यहाँ चावल की खेती की जाती है। गर्मी के सीजन में आम और काजू के बागों की देखभाल की जाती है। हापुस आम और काजू कोकण का सोना है, ये बोले तो गलत नहीं होगा। तो फिलहाल अभी बहुत सी बातें आपको दिखानी है, बतानी है। आशा है कि अगले वीडियोज में आपको जरूर यह चीजें दिखाऊंगा। कोकण का निसर्ग अपने आप में ही एक अजूबा है। महाराष्ट्र का हर एक इंसान साल में एक बार जरूर कोकण जाना चाहता है और एक्सप्लोर करना चाहता है। तो फिर आइए कोकण आपलाच असो।
तो गाइस ये आपको पीछे वाला जो रास्ता दिख रहा है वो सीधा गोवा में जाता है, मतलब गोवा यहाँ से 80 किलोमीटर दूर पर है। अगर आप तिलारी से होकर दोडामार्ग से होकर नीचे घाट क्रॉस करते हो तो आप सीधे गोवा में पहुँच जाते हो। गोवा यहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर दूरी पर है, मतलब आप बस से जाते हो तो आपको 2 घंटे लग सकते हैं, लेकिन आप बाइक लेकर जाते हो तो आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। बात करते हैं कोंकण की, मतलब यही रास्ता पकड़कर अगर आप कोंकण की तरफ जाना चाहते हो तो 30 किलोमीटर जाने के बाद आपको पूरा कोंकण एरिया मिलता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यही एंड करते हैं गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। टिल देन डू रिमेंबर, व्हाट वी डू टुडे कैन इम्प्रूव ऑल योर टुमारोज, नेवर बी द सेम। बाय बाय।